नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है हाई कोर्ट से, यहाँ ग्रुप सी और डी की 3500 की समथिंग वैकेंसी आपको मिल रही है। तो इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या एज वगैरह रखी जाएगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले आपको वैकेंसी की लिस्ट दिखा देते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो यहाँ करीबन 3500 वैकेंसी आपको मिल रही है, 3500 वैकेंसी मिल रही है छठवीं, दसवीं, बारहवीं पास कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बारहवीं पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ देख सकते हो, इसमें 1500 समथिंग आपको पोस्ट मिल रही है, जिसमें योग्यता रखी गई है छठवीं पास है, दसवीं पास है। ठीक है, छठवीं दसवीं पास। सुपर कंप्रास के लिए कौन सी वैकेंसी आपको जो पद मिल रहा है वो छठवीं पास कैंडिडेट्स के लिए मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। और इसके बाद में चौकीदार, वाटरमैन, शीफर, माली की जो ये पोस्ट निकल रही है, फोर्थ नंबर की जो पोस्ट है, ये जूनियर हाई स्कूल कैंडिडेट पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट आपको मिल रही है वो मिल रही है चपरासी, कार्यालय चपरासी, प्रास, आदरली, ये जो पोस्ट मिल रही है ये जूनियर हाई स्कूल। और प्रोफेसर सर्वर की यहाँ आपको वैकेंसी मिल रही है हाई स्कूल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, और ट्यूबवेल ऑपरेटर से इलेक्ट्रीशियन की भी आपको पोस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको दसवीं पास होने के साथ साथ आपके पास होना चाहिए ITI, ठीक है, संस्था से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। यदि NCVT द्वारा आपने कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है इलेक्ट्रीशियन संबंधित या फिटर संबंधित, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल जो वैकेंसीज हैं उनकी टोटल वैकेंसी आपको यहाँ दिखा रखी है, ये टोटल वैकेंसी आपको कितनी मिल रही है, 1559 वैकेंसी मिल रही है। इसके बाद में हम ऊपर और वैकेंसी दिखाएंगे, यहाँ ये फोर्थ नंबर की वैकेंसी आपको मिल रही है। वेतन देख सकते हो, इसमें आपका वेतन 5200 से लेकर 20200 रुपए ग्रेड पे आपको मिलेगा, 1800 रुपए वेतनमान की बात करें 17700 इसमें आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है ड्राइवर की 40 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। इसमें उम्र सीमा देख सकते हो 18 से लेकर 40 ईयर्स, और SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ छूट मिल जाएगी। और वेतन इसमें भी सेम रखा गया है, 5200 से लेकर 20200 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा, ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है इसमें 1900। और इसी के साथ बात करते हैं इंटरमीडिएट एम डोएक सोसाइटी द्वारा निर्गत CC प्रमाण पत्र कनिष्ठ सहायक के लिए, यहाँ CC प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो इसमें आप यो LDC का जो है कनिष्ठ सहायक का है उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संभावित पोस्ट आपको मिल रही है 1484 वैकेंसी आपको मिल रही है, सबसे बढ़िया जॉब है, इसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है। अब उम्र सीमा की बात करें 18 से लेकर 44 ईयर, SC ST OBC को यहाँ छूट मिल जाएगी, इसमें आपको वेतन भी अच्छा मिल जाएगा। तो मित्रों ये तो होगी हमारी वैकेंसी संबंधी डिटेल्स, अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। वो कैसे हम बताएंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो UP से निकल रही है और सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों के, लेकिन वो जनरल में जाएंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी निकल रही है उनमें उनको शामिल किया जाएगा। यदि आप ऐसे से हैं बिहार से या राजस्थान से, तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जनरल कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहां हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है हाईकोर्ट UP की, यहाँ देख सकते हो इसमें आपको मिल जाएगी, यहाँ जिस पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ कैटेगरी है आपको स्टेनोग्राफर की मिल रही है, इसके बाद में जो वैकेंसी नेक्स्ट जो 2 नंबर की थी वो मिल रही है आपको कनिष्ठ सहायक की, और इसके बाद में नेक्स्ट मिल रही थी आपको ड्राइवर की, और फोर्थ वैकेंसी मिल रही थी आपको कैटेगरी फोर्थ ग्रेड डी में, ठीक है, जिसमें स्वीपर कम ऑपरेटर, ये जो वैकेंसी थी 1400 के समथिंग उनकी ये वैकेंसी लिस्ट है, यहाँ क्लिक कर सकते हो। और यदि आप कनिष्ठ सहायक से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।